हाई फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स टुडे हेयर इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट सर फिलिप सिडनी सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िलिप सिडनी को जो है कंज्यूमेट कोटियर के नाम से भी रेफ़र किया जाता था एंड जो है कंज्यूमेट का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सट्रीमली स्किल्ड होना एंड इन्हें जो है कंज्यूमेट कोटियर इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये जो है नाइट लवर और एक अच्छे स्कॉलर होने के वर्चूस प्रोसेस करते थे क्योंकि इनके अंदर जो है अच्छी क्वालिटीज़ थी एक नाइट की एक लवर की और साथ ही साथ एक स्कॉलर की देन जो है इन्हें साथ ही साथ जो है परफेक्ट रेनेसा मैन भी कंसीडर किया जाता था देन ये जो है एक स्टेट्स मैन थे और साथ ही साथ जो है मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर थे जो कि क्वीन एलिजाबेथ की द फर्स्ट के अंडर जो है रहा करते थे सो ही वॉज अ स्टेट्समैन एंड अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट अंडर क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट देन जो है ये जो है ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने ब्रिटेन में लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत की सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन स्टार्टेड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन ब्रिटेन देन देन अब बात करते हैं इनके फेमस वर्क के बारे में एंड वो फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी एंड इस पर्टिकुलर वर्क में जो है इन्होंने करेक्टस्टिक्स को डिस्कस करने की कोशिश की है कि एक अच्छे लिटरेरी राइटर के क्या क्या करेक्टिक्स हो सकते हैं सो so, इन करेक्टरस्टिक्स को जो है इन्होंने अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी में बताया है देन जो है ये जितने भी वर्क्स लिखा करते थे प्रोड्यूस किया करते थे तो ये यानी वर्क्स को लिखना जो है ये वो इनके लिए एक तरीके से एंटरटेनमेंट हुआ करता था यानी ये अम्यूज़मेंट के पर्पस से जो है वर्क्स को लिखा करते थे एंड ये जो वर्क्स है ये अपने फ्रेंड्स के लिए लिखा करते थे एंड साथ ही साथ जो है ये ये जो है अप, इनकी ऐसी सोच थी कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक जो है मेरे वर्क्स जो है पब्लिश ना हो क्योंकि ये जो है अपने वर्क्स को पब्लिश करके जो है पैसा नहीं कमाना चाहते थे सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट हिज राइटिंग्स पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कि ये नहीं चाहते थे कि जब तक ये जो है जिंदा हैं तब तक जो है इन्हीं के वर्क्स जो है इन्हीं के सामने पब्लिश हों ऐसी चीज़ को ये नहीं चाहते थे क्योंकि ये अपने वर्क्स के थ्रू जो है पैसा कमाना नहीं चाहते थे ऐसा मोटिव इनका नहीं था सो ही अवॉइडेड कॉमर्शलिज़म देन हिज वर्क्स वर पब्लिश आफ्टर ही डाइड कि जब जो है इनकी डेथ हो जाती है उसी के बाद से जो है इनके वर्क्स पब्लिश होते हैं देन He was called as the epitome of mankind. Please remember this very important कि इन्हें जो है mankind का symbol बताया जाता है क्योंकि इन्होंने जो है अपने enemy soldiers को जब जरूरत पड़ी थी तब उन्हें जो है पानी दिया था। So he gave water to his enemy soldier during वॉर सो so, इन्होंने जो है एक फेमस लाइन कोट की है एंड वो है दे नीड नेसेसिटी इज़ येट ग्रेटर देन माइन कि ये बता रहे हैं कि मेरे जो एनिमी सोल्जर्स हैं उनको जो है नेसेसिटी की ज़रूरत है और वो मेरे मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है यानी मैं अगर उनकी हेल्प करता हूँ तो उनकी हेल्प करना जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये जो है इनकी ऐसी थिंकिंग थी देन देन अब जो है फिलिप सिडनी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहला वर्क था लेडी ऑफ मे देन सेकेंड वर्क था अर्केडिया देन थर्ड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला देन फोर्थ वर्क था साल्म्स प्लीज़ रिमेम्बर दिस साल्म्स सो फ्रेंड्स अब जो है इन सारे ही वर्क्स को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इन वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी जो कि यू जी सी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है द लेडी ऑफ मे सो सबसे पहला वर्क है इनका द लेडी ऑफ मे ये जो है वन एक्ट प्ले है प्लीज रिमेंबर दिस एंड जो है इसे इस वर्क को जो है पेस्टोरल प्लेट भी बोला जाता है प्लेट का मतलब होता है शॉर्ट प्लेज सो इस वर्क को द लेडी ऑफ मे को जो है पेस्टोरल प्लेट भी बोला जाता है सो so, ये जो वर्क है द लेडी ऑफ मे इस वर्क में जो है पेस्टोरल लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है एंड ये एक तरीके का नोटेबल वर्क है यानी जाना माना वर्क है क्योंकि इस वर्क में जो है एलेगोरिकल कंटेंट भी इंक्लूड है देन लेडी ऑफ मे रिलेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट यहाँ पर जो है लेडी ऑफ मे जो है सर फ़िलिप सिडनी जो है किसको एसोशिएट कर रहे हैं सो लेडी ऑफ मे जो है को तो जो है फ़िलिप सिडनी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के साथ रिलेट कर रहे हैं अ वुमेन अप्रोच द क्वीन अब इस वर्क में क्या होता है कि एक वुमेन जो है गार्डन में चलती चलती जो है क्वीन के पास आ जाती है देन जो है वो वुमेन जो है क्वीन को कहती है शी सेज टू क्वीन एलिजाबेथ, हर डॉटर लेडी ऑफ़ मे हैज़ टू सूटर्स कि वो बताती हैं कि उनकी जो बेटी है लेडी ऑफ मे प्लीज़ रिमेंबर दिस कि यहाँ पर जो है एक वुमेन जो है क्वीन एलिजाबेथ के पास आती है एंड वो जो है क्वीन एलिजाबेथ से कहती हैं कि उनकी बेटी का नाम जो है लेडी ऑफ मे है एंड उसके लिए जो है दो सूटर्स जो है उन्होंने चुने हैं यानी उस वुमेन ने चुने हैं शी वुड लाइक द क्वीन टू जज अब जो है ये वुमेन जो है क्वीन एलिजाबेथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप जो है जज करो कि उन दोनों सूटर्स में से मेरी बेटी लेडी ऑफ मे के लिए कौन सा सूटर जो है वो ज़्यादा सही होगा सो अ वुमेन अप्रोच द क्वीन वाइल वॉकिंग इन अ गार्डन शी सेज टू क्वीन एलिजाबेथ, हर डॉटर लेडी ऑफ़ मे हैज़ टू सूटर्स शी वुड लाइक द क्वीन टू जज विच ऑफ़ द टू सूटर्स शुड विन हर Hand, कि उन दोनों शूटर्स में से जो है कि एलिजाबेथ जो है ये जज करके बताएं कि उन दोनों शूटर्स में से जो है कौन मेरी बेटी लेडी ऑफ मे का हाथ जो है वो जीतेगा देन अब नेक्स्ट वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वो नेक्स्ट वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला ये क्या है एक तरीके का इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है जिसमें 108 हंड्रेड सोनेट्स हैं और साथ ही साथ 11 सॉन्ग्स हैं एंड ये एक तरीके की पोइटिक साइकिल है एंड ये जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये जो पोइटिक स्टाइल है ये किसके अराउंड जो है रिवॉल्व करती है सो so, एक जो है ये बेसिकली ये एक वर्क जो है वो सराउंड करता है अन लव वो भी एक मैन का कि एक Uh, जो मैन है वो अपनी वो यंग वूमेन से जो है प्यार करता था बट उसके प्यार को ये यंग मैन जो है जीत नहीं पाया सो इट इज़ अ पोइटिक साइकिल विच सराउंड्स अराउंड द अनरिक्वाइडेड लव ऑफ अ मैन फॉर अ यंग वुमेन ही कनेक्ट्स एस्ट्रोफेल टू हिमसेल्फ की फिलिप सिडनी जो है एस्ट्रोफेल को अपने आप से कनेक्ट करते हैं एंड साथ ही साथ स्टेला को जो है एक यंग वुमेन से कनेक्ट uh, करते हैं जो कि फ़िलिप सिडनी को कोर्ट में मिली थी एंड उसका रियल नेम था लेडी पेनिलोप देवेराक्स प्लीज़ रिमेंबर दिस देन एस्ट्रोफिल इज मॉडल्ड ऑन फिलिप सिडनी प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एस्ट्रोफिल जो है किस पर बेस्ड है सर फिलिप सिडनी पर पेनीलॉप फादर वॉन्टेड टू मैरी सिडनी कि पेनीलॉप के फादर जो है वो चाहते थे कि यानी पेनीलॉप की जो शादी है वो सिडनी से हो बट पेनीलॉप चाहती थी कि उसकी शादी जो है वो रॉबर्ट रिच से हो सो पेन पेनीलॉप फादर वांटेड हर टू मैरी सिडनी बट शी डिसाइड्स टू मैरी रॉबर्ट रिच एंड रॉबर्ट रिच को जो है एसोसिएट किया जाता है फर्स्ट अर्ल ऑफ वॉरविक से भी जैसे ही सिडनी को ये पता चलता है कि उसकी जो लवर है बिलवर्ड है पेनिलॉप वो जो है उससे शादी ना करके रॉबर्ट रिथ से शादी करना चाहती है तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा सिडनी जो है डिप्रेस हो जाते हैं एंड डिसअपॉइंट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक पोइटिक साइकिल को कंपोज करते हैं जिसका नाम पड़ता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला स्टेला इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद एस्ट्रोफिल किस एक दिन क्या होता है स्टेला जो है अचानक से जो है एस्ट्रोफिल से प्यार करने लग जाती है स्टेला जो है उसे अगर लेटिन में ट्रांसलेट किया गया है है, जिसका मतलब जो है इंग्लिश में स्टार होता है एस्ट्रोफेल का मतलब होता है स्टार लवर एंड इस वर्क में जो है इन्होंने सर फिलिप सिडनी ने जो है पेट्रार्कन राइम को एम्प्लॉय किया है यानी इस राइम का यूज किया है राइम स्कीम का एंड ये जो पोएम है ये मॉडल्ड है इटालियन पोएट पर जिसका नाम था पेट्रार्क एंड बताया जाता है क्यूपिट इज द हीरो ऑफ द पोएम एंड द सोनेट प्लीज रिमेंबर दिस कि क्यूपिट जो होता है वो किसी भी पोएम या फिर सोनेट का हीरो होता है देन अब जो है इस वर्क से रिलेटेड यूजीसी नेट में किस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं नंबर ऑफ पोएम पोइम्स इन सिडनीज़ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज़ आंसर है वन जीरो एट प्लीज़ रिमेम्बर दिस देन कि इस पोएम यानी इस पर्टिकुलर वर्क एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में जो है इस वर्क की जो है एंडिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था सो एंडिंग ऑफ दिस वर्क पर्टिकुलर वर्क टॉक्स अबाउट सो इस वर्क uh, की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से हुई है कि कोई भी तरीके का रेजोल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाया स्टेला क्या करती है एस्ट्रोफिल के प्यार को जो है डिक्लाइन कर देती है स्टेलर रिटर्न्स द लव बैक टू एस्ट्रोफेल देन देन अब नेक्स्ट बुक आर्केडिया के बारे में डिस्कशन करते हैं ये आर्केडिया क्या था ये जो है एक इंडिविजुअल था जिसे जो है एक पोजीशन अलॉटेड थी एंड वो पोजीशन थी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोकी और ये एक तरीके का लॉन्ग प्रोज़ पेस्टोरल रोमांस है जो कि सर फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया है और वो भी सिक्सटीन सेंचुरी के एंडिंग में एंड इस पर्टिकुलर वर्क के दो वर्जन्स हैं सबसे पहला है ओल्ड अर्केडिया देन दूसरा है न्यू अर्केडिया एंड ये जो वर्क है पूरा वर्क जो है ये बेस्ड है हेलेनिस्टिक मॉडल ऑफ हिलियोडस प्लीज़ रिमेम्बर दिस एंड इस वर्क में जो है फाइव बुक्स है या फिर आप कह सकते हो एक्ट्स है जो कि फ़ाइव पार्ट में ऑर्गेनाइज कर रखे हैं सो ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू फाइव पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल ड्रामा कि बताया जाता है कि इस वर्क को जो है फ़ाइव पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ़ क्लासिकल ड्रामा के हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है विलियम शेक्सपियर ने जो है जो करेक्टर था ग्लोचेस्टर का वो इसी वर्क से जो है बोरो किया है द गलोचेस्टर सब प्लॉट ऑफ किंगयर फ्राम आर्केडिया कि बताया जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने जो है अपने वर्क किंग लियर में जो uh, करेक्टर यूज़ किया था द् ग्लोचेस्टर का वो जो है इस वर्क अर्केडिया से लिया गया है एंड पार्ट्स ऑफ अर्केडिया की बताया जाता है कि कुछ पार्ट्स जो इस वर्क के हैं वो जो है एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट ने भी ड्रामेटाइज किए हैं एंड उस एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट का नाम है जेम्स शर्ले देन अब बात करते हैं किंग चार्ल्स द फर्स्ट के बारे में सो किंग चार्ल्स द फर्स्ट ने जो है कोर्ट लाइन यानी इस पर्टिकुलर वर्क से जो है लाइंस कोट की थी अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पर देन बताया जाता है कि सैमुअल रिचर्डसन जो है उनकी सबसे पहली नॉवल फेमस वर्क पमेला और साथ ही साथ हीरोइन पमेला जो है हैज बीन नेम्ड आफ्टर अर्केडिया कि बताया जाता है कि जो सैमुअल रिचर्डसन का सबसे पहला वर्क पमेला है और साथ ही साथ जो है इनके वर्क की हीरोइन पमेला है वो इस वर्क के नाम के बाद जो है बेस्ड है इस इस वर्क के नाम पर बेस्ड है सो सैमिल रिचर्डसन रोट हिज फर्स्ट नॉवल पमेला एंड हीरोइन हैज बीन आफ्टर देन बात करते हैं सर फिलिप सिडनी के लास्ट वर्क के बारे में कि ये जो बाइबल है ये साल्स में डिवाइडेड है एंड ही ट्रांसलेटेड एंड पैराफ्रेज द्लीज रिमेंबर दिस कि साल्स को जो है इन्होंने यानी फ़िलिप सिडनी ने ट्रांसलेट भी किया और साथ ही साथ पैराफ्रेज करने की भी कोशिश की प्लीज़ रिमेंबर दिस देन सम पैराफ्रेज का मतलब होता है एक वे में जो है समराइज़ करने की कोशिश की देन फ्रेंड्स इसी के साथ की लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग